नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि अपकमिंग वैकेंसी के बारे में है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जो अपकमिंग वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया है BRO के द्वारा, तो वो शॉर्ट नोटिस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 03/2022। ठीक, तो 03/2022 दोस्तों ये आपका अपकमिंग वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली बिफोर फिलिंग अप द अप्लीकेशन फॉर्म। कह रहे हैं, अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट इन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स, मेल ओनली। यानी कि दोस्तों ये जो फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म नहीं है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स ओनली भर सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट या ट्रेड नेम दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताया गया है कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है दोस्तों, मैं आपका है ट्रेड्समैन का। तो ट्रेड्समैन का अगर दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ पर आर्जर कैटेगरी वालों के लिए 6 सीट है, SSC वालों के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं, ST वालों के लिए 2 सीट है, OBC वालों के लिए 5 सीट है, EWS वालों के लिए 1 सीट है। टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर 14 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है ड्राफ्ट्समैन वालों के लिए। और दूसरा अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सुपरवाइजर का एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर है 5 सीट अवेलेबल है आर्जर कैटेगरी वालों के लिए, SC वालों के लिए कोई सीट नहीं, ST वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है, OBC वालों के लिए 1 सीट है, EWS वालों के लिए 0 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 7 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। और सुपरवाइजर यहाँ पर स्टोर्स का यहाँ पर दोस्तों 7 वैकेंसी है अंडरजर कैटेगरी वालों के लिए, बाकी यहाँ पर ST वालों के लिए 1 सीट है, 4 सीट OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए 1 सीट, 13 सीट है टोटल मिला के। और सुपरवाइजर चीपर का यहाँ पर देख सकते हैं, करंट में यहाँ पर दोस्तों 6 सीट अवेलेबल है, बैकलॉग में दोस्तों 3 सीट अवेलेबल है, टोटल मिला के यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल है। ठीक, हिंदी टाइपिस्ट का अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर करंट में दोस्तों 5 सीट अवेलेबल है, बैकलॉग का यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल है, टोटल मिला के यहाँ पर 10 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया दोस्तों ऑपरेटर कम्युनिकेशन का करंट लॉग में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 23 सीट अवेलेबल है करंट में, बैकलॉग में दोस्तों यहाँ पर 12 सीट अवेलेबल है, टोटल मिला के यहाँ पर दोस्तों 35 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पर देखिए सातवां जो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन इंक्लूडिंग 2 बैकलॉग फॉर PWD वैकेंसी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यह आपका 30 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, SSC वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 7 सीट है, ST वालों के लिए 4 सीट अवेलेबल है, 16 सीट है OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए 3 सीट है, टोटल मिला के ये 30 सीट अवेलेबल है। वेल्डर वालों के लिए है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब का ITI लेवल पर है, फॉर्म भरा जाएगा ये सब जो इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर वाले हैं। बाकी मल्टी स्किल वर्क ये आपका कक्षा 10 बेस पर है, कोई 12 बेस पर, यहाँ पर टाइप सुपरवाइजर का ये सब है, ये सब 12 और डिग्री वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो वेल्डर वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर अनुजर कैटेगरी वालों के लिए 12 सीट है, 7 सीट है SC वालों के लिए, ST वालों के लिए 3 सीट अवेलेबल है, और OBC वालों के लिए यहाँ पर 0 सीट अवेलेबल है, EWS वालों के लिए 2 सीट है, और टोटल मिला के यहाँ पर 24 सीट अवेलेबल है। मल्टी स्किल्ड वर्कर का यहाँ पर दोस्तों ब्लैक स्मिथ के यहाँ पर 9 सीट अवेलेबल है अनुजर कैटेगरी वालों के लिए, SC वालों के लिए 3 है, 1 सीट है ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए 7 सीट है, EWS वालों के लिए 2 सीट है, टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर 22 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है मल्टी स्किल वर्कर के लिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर यहाँ पर कुक के लिए यहाँ पर करंट लॉग में देखेंगे दोस्तों 2 सीट अवेलेबल है, और बैकलॉग में अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अनुजर कैटेगरी वालों के लिए कोई सीट नहीं, SC वालों के लिए 1 सीट है, ST वालों के लिए 13 सीट है, OBC वालों के लिए 66 सीट है, टोटल मिला के दोस्तों 80 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मल्टी स्किल वर्कर के 82 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर पूरा नंबर होल ऑफ वैकेंसी के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो ग्रांड या टोटल में यहाँ पर देखेंगे तो अनुजर कैटेगरी वालों के लिए 46 सीट है, OBC यहाँ पर SSC वालों के लिए 32 है, ST वालों के लिए 31 है, OBC वालों के लिए 121 है, बाकी PWD वालों के लिए यहाँ पर 14 सीट है। टोटल मिला के दोस्तों 246 पदों पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक, और देखिए यहाँ पर नोट, फॉलोइंग पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड द जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स BRO फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर रिलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर। नोट टू, वेरियस कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड देयर फंक्शनल या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज पोस्ट एज गिवन एज अंडर बिलो।
यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर मतलब फिजिकल चैलेंज करते हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ड्राफ्ट्समैन का, सुपरवाइजर, चीपर का, ऑपरेशन का, इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का है, मल्टी स्किल वर्कर का है, तो ये सब है आपका दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्रीविएशन सीड या सेटिंग है, एसटी स्टैंडर्ड, ये सब जो कुछ भी है। देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी ये जो वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, द डिटेल एडवर्टाइजमेंट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ। तो बीआरओ को जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीआरओ का ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.gov.in, इस पर दोस्तों आपका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उस पर अवेलेबल किया जाएगा। ठीक, फिलहाल अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो शॉर्ट नोटिस बीआरओ के द्वारा जारी किया गया है, अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पूरा डिटेल है, इसके एडवर्टाइजमेंट ये लोग जारी करेंगे। तो www.bro.gov.in पर जाके आप लोग इसका वैकेंसी का पूरा डिटेल देख पाएंगे। द कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई द एबव पोस्ट आर एडवाइज टू रिफर टू द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एलिजिबल क्राइटेरिया ETC। तो एलिजिबल जो भी क्राइटेरिया है, सब जो कुछ भी डिटेल है दोस्तों, जो इसका फुल एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहां पर ये आपका पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो उसके थ्रू दे सकते हैं। आपके लिए फॉर्म जब भरेंगे तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना, उन सब चीज के बारे में वहां पर बताया जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर कह रहा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है वो भी उसी, जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो वहां पर मेंशन किया जाएगा कि कितने दिन तक ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी सब जो कुछ डिटेल है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लोग अपडेट करेंगे। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों जो वैकेंसी है, यहाँ पर जब आप लोग रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखेंगे, नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे, और यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट ये सब जो दिया गया 02/2021, ये सब आपका पुराना वाला है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आपके पास जो वैकेंसी निकाली गई है उसका जो लेटेस्ट वाला है ये हमने आपको दिखाया है 03/2022, ये जो है यही आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्द ये जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे दोस्तों, जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपका ये आ जाएगा। ठीक, और देखिए दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है टेलीग्राम का, या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर नेम से, तो ऑब्जेक्टिव सेंटर नेम से वहाँ पर चैनल और ग्रुप दोनों आ जाएगा, तो दोनों में से आपको जो इच्छा होगी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर दोस्तों पीडीएफ व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वैकेंसी का अपडेट चाहते हैं तो उस ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।